कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है, बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, बट कथा वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ हम भेज कर बाहर आ जाएं। तो चूंकि केस अब सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार अब और महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई को सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में? इसमें सपोर्ट का एक राजनीतिक सपोर्ट का चल रहा है क्या, इसको सपोर्ट करो उसका सपोर्ट करो। इस प्रकार से एक जांच हो रही है एक मौत की या आत्महत्या या सुसाइड की, और 40 साल 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे कौन है? बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? मैं हमेशा पूरे देश की पुलिस फोर्स का आदर करने वाले हम लोग, लेकिन आप खाकी वर्दी पहनकर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे खुलेआम? और आज भी मैं देख रहा था रिटायरमेंट के बाद वो बीजेपी के या जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता जिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो राज्य का नेतृत्व कर रहा है उनसे आप क्या उम्मीद क्या अपेक्षा कर सकते हो? ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार जो आपको शौक हाँ सदमा ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे।